सो फाइनली दोस्तों यामा कंपनी ने अपनी पसिनो 125 का नया 2024 मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जिसमें दोस्तों कंपनी ने दो बड़े अपडेट किए हैं, जिसके बारे में भाई आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अगर मैं आप लोग को अपडेट के बारे में बताऊँ तो वो दोस्तों आप लोग को नए कलर एंड ग्राफिक्स का देखने को मिलेगा, जो कि अब दोस्तों इस पर आप लोग को तीन नए कलर्स का जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि पहला दोस्तों आप लोग को ये मैट रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकेंड दोस्तों आप लोग को ये मैट ब्लैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा और थर्ड दोस्तों आप लोग को ये मैट ब्लू कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसपे दोस्तों अब आप लोग को हल्के फुल्के ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस स्कूटर के जो है ना अलॉय व्हील्स पे ध्यान दें तो इस पे दोस्तों अब आप लोग को कलरफुल अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जो कि देखने के मामले में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो पहला अपडेट दोस्तों कलर में किया गया है। सेकेंड जो अपडेट है ये दोस्तों आप लोग को एंसर बैक का देखने को मिलेगा। अब ये एंसर बैक का फीचर कैसे काम करता है उसके बारे में अगर आप लोग बताऊं, सो गाइस यहां पे क्या है ना कि अगर आप लोग अपने स्कूटर को कहीं पार्किंग में जो है पार्क करके भूल चुके हैं एंड अब अगर आप लोग को जो है अपने स्कूटर को ढूंढना है तो उसके लिए गाइस आप लोग को जो है ना यामा कंपनी का जो वाई कनेक्ट ऐप है उसमें भाई आप लोग को एक फीचर दिया गया है, जिससे भाई आप लोग अपने स्कूटर को इजिली तरीके से ढूंढ पाएंगे और स्कूटर दोस्तों आप लोग को आंसर बैक करेगी, जिसमें कि गाइस स्कूटर का जो इंडिकेटर और जो हॉर्न है वो तेजी से बजने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कूटर कहाँ पे खड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों इस स्कूटर पे जो है मेनली यही दो आप लोग को अपडेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहला है दोस्तों ये नए कलर्स का और सेकंड दोस्तों आप लोग को ये आंसर बैक का यहाँ पर जो है अपडेट देखने को मिलता है। इसके अलावा सभी चीजें आप लोग को पहले ट्राई देखने को मिलती है, चाहे आप लोग फीचर्स देख लें या फिर इंजन वगैरह देख लें, ये सभी चीजें पहले ट्राई है। बात कर जाए प्राइसिंग के बारे में तो पहले के मुकाबले दोस्तों लगभग जो है ना 1600 रुपए तक जो है इस स्कूटर की प्राइसिंग बढ़ा दी गई है और अब दोस्तों आप लोग को इस स्कूटर का जो प्राइस है ये लगभग आप लोग को 94,530 रुपए के आसपास में एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग को ये अपडेट कैसा लगा और आपके हिसाब से इस स्कूटर में जो है और क्या कुछ अपडेट हो सकता था उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आप लोग को स्कूटर और बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।